हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो आवर क्वेश्चन इज दैट अ स्टूडेंट फोकस्ड द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ वाइट स्क्रीन यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस। ही नोटेड डाउन द पोजिशन ऑफ द कैंडल स्क्रीन एंड द लेंस एज अंडर। पोजिशन ऑफ कैंडल इज 12 सेंटीमीटर, पोजिशन ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर एंड पोजिशन ऑफ स्क्रीन इज 88 सेंटीमीटर। सो वन, वॉट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस? वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड इफ ही शिफ्ट्स द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस at a position of 31 centimeter? What will be the nature of the image formed if he further shifts the candle towards the lens? Draw a ray diagram to show the formation of the image in case 3 as said above. So हमारे इस क्वेश्चन में हम लोग को एक लेंस दिया हुआ है जो कि है कन्वेक्स लेंस, और हम लोग को ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उसको हम लोग को देखने के लिए एक स्क्रीन दिया है, और हम लोग को तीनों का पोजीशन दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का, लेंस का और स्क्रीन का। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है दैट इज आवर लेंस फॉर्मूला। जो कि है 1/v - 1/u = 1/f। तो हमारे इस क्वेश्चन में ये एक लेंस है और ये एक्सिस है, और हमारा जो कैंडल है वो यहाँ पर है, और एक स्क्रीन प्लेस्ड है ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। और हम मान लेते हैं कि ये जो एक्सिस है उसकी नंबरिंग की हुई है हमारी एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पर हम ओरिजिन को मान लेते हैं कि यहाँ पर ओरिजिन है, और हमारा जो ये कैंडल है उसका पोजीशन दिया हुआ है एट 12 सेंटीमीटर। हमारे जो लेंस का पोजीशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, और हमारे जो स्क्रीन का पोजीशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। तो अब हम अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें हम लोग से पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस। तो उसके लिए तो हमें डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस चाहिए एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस चाहिए। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लेंस से इतनी दूर है तो हम इसे पहले कैलकुलेट करते हैं। दैट इज u विल बी 50 - 12, जो कि हो जाएगा हमारा 38 सेंटीमीटर। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट साइड है इसलिए हमारा जो u आएगा वो होगा -38 सेंटीमीटर। अब हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द लेंस, जो कि ये डिस्टेंस है, तो वो आ जाएगा हमारा 88 सेंटीमीटर माइनस 50 सेंटीमीटर, वी विल गेट 38 सेंटीमीटर। तो वी हमारा हो जाएगा 38 सेंटीमीटर, जो कि प्लस रहेगा क्योंकि ये बियॉन्ड दिस हमारा लेंस है। अब हम यूज़ करते हैं अपने लेंस फॉर्मूला को, दैट इज 1/v - 1/u = 1/f। वी विल पुट द वैल्यूज, यू का वैल्यू है हमारा -38, तो यहाँ से हमें अपना फोकल लेंथ मिल जाएगा, दैट विल बी 19 सेंटीमीटर। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अपने सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, दैट सेज वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड इफ द कैंडल इज शिफ्ट टुवर्ड्स द लेंस एट अ पोजीशन ऑफ 31 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है कि इस कैंडल को हम लोग शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर, जहाँ पर इस कैंडल का जो पोजीशन है वो है 31 सेंटीमीटर। तो इस केस में हमारा जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, हम इसे u डैश मान लेते हैं, वो ये होगा। तो हमारे क्वेश्चन टू में हमारा जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस होगा वो आ जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर माइनस 31 सेंटीमीटर, दैट विल बी 19 सेंटीमीटर, जो कि इक्वल है हमारे फोकल लेंथ के। यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है इस बार वो हमारे लेंस के फोकल लेंथ पर प्रेजेंट है। और हमने पढ़ा है कि जब इमेज हमारा फॉर्म होता है, जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे होगा तो वो इन्फिनिटी पर फॉर्म होता है, जिसे हम अपने इस रे डायग्राम से देख सकते हैं। एक पैरेलल रे हमने यहाँ पर लाया जो कि रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस टू से गया, और ये जो सेकेंड रे वो हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया जो कि रिफ्रैक्ट नहीं हुआ और अनडेविएटेड पास हो गया। तो ये दोनों जो रे हैं वो पैरेलल हो जाती हैं, इसलिए हमारा जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दैट विल बी इमेज विल बी
formed at infinity. So this will be the final answer for this question. Now let's see our third question that says, what will be the nature of the image formed if we further shifts the candle towards the lens? यानी ये हमारा लेंस था जो कि अभी प्रेजेंट था फोकस पर, यहाँ पर हमारा कैंडल प्रेजेंट था। अब हमारे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हम कैंडल को अगर और आगे शिफ्ट करेंगे तब हमारा जो इमेज होगा वो कहाँ पर फॉर्म होगा, और हमें उसका ट्री डायग्राम बनाना हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो कैंडल है वो शिफ्ट होके इस पोजिशन पर आ गया है, और इसके रे डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा 2 टाइम्स फोकस हम एज्यूम करते हैं, एंड ये हमारा 2 टाइम्स F2। हम एक पैरेलल रे यहाँ से पास कराते हैं जो कि रिफ्रैक्ट होने के बाद सेकेंड फोकस से पास करेगी, और तो हमारा सेकेंड रे उसे हम अपने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो दोनों रेज हैं वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, इसलिए हम इसे बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं। तो बैकवर्ड एक्सटेंड करने पे हमारी जो दोनों रेज है वो एक पॉइंट पर मिलेगी और यहाँ पर एक इमेज बनेगा। तो यहाँ से हम अपना नेचर ऑफ इमेज को डिफाइन कर सकते हैं, दैट विल बी आवर इमेज इज एनलार्ज्ड, क्योंकि यहाँ पर रेज एक्चुअली मीट नहीं की हैं इसलिए यहाँ पर वर्चुअल इमेज बना है, और जो ये इमेज है ये इरेक्ट है। तो ये हमारा आंसर हो गया हमारे थर्ड क्वेश्चन के लिए, दैट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज, एंड ये आंसर हो गया हमारे फोर्थ क्वेश्चन के लिए, दैट आस्क्स द रे डायग्राम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। सो दिस विल बी फाइनल कंक्लूजन फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू गॉट दिस वेल, बेस्ट ऑफ लक।